सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ऑल दो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन सामने निकल के नहीं आया है CUCET को लेकर के कि आपका CUCET होगा इम्प्लीमेंट इस साल या फिर नहीं होगा, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहें। बात करें जो लेटेस्ट अपडेट है, ये आपको बिजनेस टुडे में पब्लिश किया गया, ये आज का लेटेस्ट आर्टिकल है। 15 जून 2021 12:13 पे ये आर्टिकल को पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया है सेंट्रल मल्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर DU JNU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन जुलाई अगस्त। बात करें आगे आर्टिकल में बताया गया है, इस वीडियो में इस आर्टिकल को रीड नहीं किया जाएगा, जो भी समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको इसे रीड करना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात कर तो बताया गया है सेंट्रल चाहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए सेशन 21-22 से। हो सकता है कि CUCET जुलाई और अगस्त में हो, ये अभी एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म नहीं है। आगे बात करें तो बताया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यानी कि NEP 2020 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र किया था। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिंगल पेपर पैटर्न पर होगा, जैसे नीट और JEE का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर CUCET होता है तो ये सिर्फ UG लेवल पर होगा और नॉन टेक्निकल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि इस साल जो एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि जो CUCET होगा, वो सिर्फ UG के लिए होगा या फिर PG के लिए भी होगा। तो ये आपका सिर्फ UG के लिए ही होगा इस साल जो इम्प्लीमेंट अगर होता है, तो ये PG के लिए नहीं होगा। और UG में किन कोर्सेज के लिए होगा, तो जो भी नॉन टेक्निकल प्रोग्राम है उन्हीं में एडमिशन के लिए ये होगा। और इसका पैटर्न आपका नीट और JEE के एग्जाम के जैसा ही होगा। नेशनल लेवल पर इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। आगे बात कर तो बताया गया जो स्कोर आएगा आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, तो उसी के मार्क्स के बेसिस पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा स्टूडेंट्स को, चाहे वो आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो। आगे बात करें तो बताया गया, जैसा कि आपको पता होगा CUCET मई 2021 में होने वाला था, बट कोविड के वजह से यह प्लान सक्सेस नहीं हो पाया और इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। कुछ न्यूज ऐसा भी आया था कि CUCET नहीं होगा, अभी भी इसका कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगा या फिर नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है, CBSE के क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और कोविड के केसेस में अभी कमी आ रही है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री पॉजिटिवली CUCET कंडक्ट करवाने के बारे में सोच रहा है आने वाले 2 महीनों में, ये जो भी अपडेट आ रही है ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से आ रहा है। आगे यह सुझाव दिया है कि जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उन्हें ग्रेड अलॉट करना चाहिए, मार्क्स नहीं, जिस वजह से यूनिवर्सिटी एडमिशन डिफरेंट होगा। मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज़ वेबसाइट को यह कहा गया है, जो भी अपडेट यहाँ पर आ रहा है ये मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने न्यूज़ वेबसाइट को यह कहा है। क्या कहा है, BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आया है। BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स, बायो, नर्सिंग, LLB, BA, LLB, BCom और CHS 9th के लिए, जिसका एडमिशन अभी ओपन है। फ्री वीडियो लेक्चर्स इनके चैनल पर अवेलेबल है, चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्वेरी और डाउट के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री CUCET कंडक्ट करवाने पर विचार कर रहा है, नेशनल लेवल पर जुलाई से अगस्त के बीच में इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। आगे सोर्सेज का कहना है कि अगर क्लास 12 के स्टूडेंट को ग्रेड्स मिलता है मार्क्स के बदले, तब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा, यानी कि CUCET तब आपका कंडक्ट करवाया ही जाएगा अगर स्टूडेंट्स को ग्रेड के बदले मार्क्स के बदले ग्रेड अलॉट होता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है CBSE के रिजल्ट पे। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से मार्क्स स्टूडेंट्स को जाएगा। आगे बात करो तो बताया गया सब कुछ अब क्लास 12 के मार्क्स अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है, जिससे लेकर न्यूज कल आ सकता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि CUCET का प्रपोजल होल्ड कर दिया गया था कोविड के पैंडेमिक के वजह से, मगर अब कोविड केसेस कम हो रहे हैं, जिस वजह से फिर से इस पर विचार डिस्कशन शुरू हो सकता है यूनिवर्सिटीज के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में। ऐसा कहना इस आर्टिकल का नहीं है, ऐसा कहना मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का है। तो CUCET को लेकर के जो भी अपडेट है वो बहुत जल्द निकल के आ सकता है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट आता है तुरंत आपको हमारे से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्वेरी और डाउट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।